मैनेजमेंट टेक्टफुली इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट थॉट, देयर आर एन नंबर ऑफ थॉट कम्स इन आर माइंड। ओके, यू ऑल आर स्टूडेंट, इन योर माइंड ऑल्सो वेरियस थॉट्स कम्स इन योर डेली लाइफ। अभी क्या चल रहा है? कोरोना। क्या होगा? हमारा एग्जाम्स होंगे कि नहीं? यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? कॉलेज। एन नंबर ऑफ थॉट्स कम्स इन माइंड, सम ऑफ द पॉजिटिव सम एंड मैक्सिमम ऑफ द नेगेटिव वन। सो यू शुड चेंज योर एटीट्यूड बिहेवियर टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। नेगेटिव हम बहुत जल्दी हो जाते, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए बहुत सिंसियर एफर्ट, कंटिन्यूअसली थिंकिंग, डीप थिंकिंग, अटैच सोल विद सुप्रीम सोल इन एनी फॉर्म, वट एवर फॉर्म इट मे बी, यू आर इंटरेस्टेड टू वॉक अकॉर्डिंग टू योर रीजन, बट समहाउ यू हैव टू कनेक्टेड सुप्रीम सोल विद सुप्रीम सोल विद सुप्रीम सोल। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। So while moving further, I'm showing my slide. This is, you know, management transfer. सर कुछ समझ नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? बताओ, बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आया? बोलो बोलोगे? क्या समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया बोल के गायब हो गए। सर नेटवर्क इशू हो रहा। नेटवर्क इशू हो रहा है? हाँ बोलो, क्या समझ में नहीं आया बताओ? क्या समझ में नहीं आया? हाँ बोलो, क्या समझ में नहीं आया? कौन बोल रहा है बताओगे? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर, ये अभी कौन बोला कि समझ में नहीं आया? किसी लड़के की आवाज थी। बताओ ना भाई, तुम लोग क्या डर रहे हो यार? पीजी के स्टूडेंट बोलो, कौन है? सर चलने का वॉइस कट रही है टाइम? मेरे इधर। देखो वॉइस कट रही है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मेरा नेटवर्क अच्छा ना हो, ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नेटवर्क अच्छा ना हो। ठीक है, ये कौन बोल कौन रहा है पहले बताओगे मुझे? अभिषेक? सर विशाल विशाल सर, अच्छा विशाल, हाँ विशाल बोलो क्या हुआ? अरे सर स्टार्टिंग का मिस कर दिया था आपने, क्या बोला ना उसके बाद से सब आगे पीछे जा रहा था, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको एक लाइन में समझाता हूं। मैनेजमेंट मींस मैनेज, मैन टेक
टैक्टफुली, whether we are arranging a small activity or large activity, there is a need and requirement to manage things properly. ठीक है, you should allot duties to some people कि ये तुम्हारा एरिया है, तुमको ये परफॉर्म करना है. सपोज मेरे घर में शादी है, ठीक है, तो आपको कैटरिंग वाले को ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम ये फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. लाइटिंग वाले का अलग, डेकोरेशन में अलग जाएगा. ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि स्टेज में कुछ फ्लावर्स का काम हो तो मुझे उसको अलग करना पड़ेगा. वीडियो शूटिंग का काम मुझे किसी और को देना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं रंगोली चाह रहा हूँ तो उसका ऑर्डर मुझे किसी और को देना पड़ेगा. ठीक है, बैंड पार्टी, म्यूजिक सिस्टम. सो यू शुड अलॉट ड्यूटी टू पीपल यानी मैं, एंड यू शुड कंटिन्यूअसली फॉलो अप कि काम कहाँ तक हुआ. ठीक है, उसका पेमेंट क्या है, विच इज रीजनेबल, यू कैन इजिली कंपेयर. ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ टाइम यू कैन चेक वेदर दे आर परफॉर्मिंग इन अ राइट वे और नॉट. दिस इज यू नो मैनेजमेंट. विशाल, एम आई क्लियर टू यू? यस सर, यस सर. ओके ओके. तो सी, अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट थॉट्स की, ठीक है, मैनेजमेंट थॉट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट थॉट में एन नंबर ऑफ थॉट्स कम्स इन आवर माइंड. सम ऑफ दी पॉजिटिव थॉट्स एंड सम ऑफ दी नेगेटिव थॉट्स. और अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसमें मोस्ट ऑफ दी थॉट विच इज नेगेटिव. ठीक है, तो जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो हम, हमारा जो फेस का चार्म है वो डाउन हो जाए. आप देखना, ये जो फेस होता है ये हमारा मिरर होता है. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू आर हैविंग सम पेन इनसाइड द माइंड, यू वोंट शाइन. सो वो जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको हैप्पी होना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा. वो कैसे आएगा, टू बिकम मोर इंटरक्टिव. यू आर हैविंग सम पीपल, दोज यू नो द मोमेंट यू आर टॉकिंग दे रिफ्रेश यू, दे चार्ज यू, टू दे बूस्ट अप यू, समहाउ दे मोटिवेट यू. तो ऐसे लोगों के एसोसिएशन के साथ आपको डेफिनेटली यू हैव टू कनेक्ट. ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको आप देख के हमको खुशी मिलती है. ठीक है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसको देख के हम इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं. तो मैनेजमेंट को सबको एक साथ लेके चलना, वर्क टुगेदर. ठीक है, इन टीम देयर आर डिफरेंट पीपल, सम ऑफ वेरी कैलिबर स्किल ओरिएंटेड एंड सम ऑफ द पीपल दे आर नॉट इवन गो अप टू द मार्क्स. यू हैव टू मैनेज बोथ काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, वी बेसिकली वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, तो हम लायबिलिटी और एसेट्स को जैसे मैनेज करते हैं, इन सेम वे ये जो मैनेजमेंट होता है वो सारे मैन को मैनेज करता है. उसके लिए वो टेक्निक यूज करते हैं. ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर यानी साइज छोटा बड़ा होता है, तो अकॉर्डिंग टू साइज वो टेक्निक डिफर करता है. तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट थॉट की, तो सी देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज First one is classical approach, second one is new classical approach, and third point is modern approach. I'm talking about the evolution of management thought can be studied in three parts as given under. First point, which is classical approach, then second point, which is new classical approach, and last point, modern approach. And the first point, classical theory of
approach to management, further there are three points. Scientific management. We all are familiar regarding this approach, which is given by F.W. Taylor. And the second point is administrative, functional, or process approach, which is given by Henry Pio. And third one is bureaucratic approach, which is given by Max Weber. Fine. तो एफ डब्ल्यू टेलर का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? टेल मी. नो सर. सुन रहे हैं? यस सर. अच्छा, वेरी गुड. सुने. तो एफ डब्ल्यू टेलर का नाम आप लोगों ने सुना है. व्हाट अबाउट हेनरी फ्योल? सुना है हेनरी फ्योल का नाम? यस सर. ओके, अच्छा. व्हाट अबाउट मैक्स वेबर? Yes, sir. Next yes, sir. ये जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हम बीकॉम में इससे डील कर चुके, फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है, तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है, द क्लासिकल थ्योरीज सिग्निफाई द बिगनिंग ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट. देखो, सिस्टमैटिक, द टर्म सिस्टमैटिक, it means that you should arrange the activity in such a way so that it takes minimum time and get maximum output, whereas also proper utilization of available resources. ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है करके हम नहीं कर पा रहे. नो, this is wrong. If you are having caliber, बिना पैसे की भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको, वैसे तो आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, पीजी स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक बुजुर्ग सी महिला थी जो जिसका एक रोल मॉडल था, तो वो उसको मिलता है. तो कभी भी हम किसी अपने रोल मॉडल या सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है. तो वो जब उसके पास गई और बहुत खुश हुई, जैसे कि हमारा कोई फेवरेट मिलता है तो हम बहुत बिकम वेरी हैप्पी और हमारा जो फेस है वो ग्लो करने लगता है. तो उसने बोला, सर, वो मॉडर्न आर्टिस्ट था, उसने बोला कि सर आप मेरे लिए कुछ बनाइए. तो उसने एक प्लेन पेपर पकड़ा और पेंसिल पकड़ा और स्केच किया. Only 30 second स्केच किया और उसने कुछ ड्रॉ करके वो लेडी को दे दी. तो वो लेडी बहुत खुश हुई, बोले सर थैंक यू सो मच, यू आर गिविंग समथिंग टू मी. और बोले आप ये मत समझना कि ये बहुत सस्ता है, ये करोड़ों की पेंटिंग है. तो वो जो लेडी थी वो शॉक हो गई, बोली यू आर टेकिंग ओनली 30 second and you told me that the cost of this painting is, you know, crore rupees. How is this possible? You making me fool. So, वो उसको argument को लेते हुए बताया कि देखो ये जो painting है, जाके तुम इसको market में check कर लेना. Whether I am telling you truth or I am telling you false. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो 30 second का time लगा है, वो 30 साल मेरी मेहनत, यानी 30 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन देने के बाद, राइट नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू ड्रॉ दिस 30 सेकंड. व्हाट इट मींस दैट द स्टोरी टेल दैट द मोमेंट यू आर स्टार्टेड टू वर्किंग इन मार्केट, डेफिनेटली यू आर हैविंग सम लिटिल बिट नॉलेज एंड यू आर पुटिंग योर सिंसियर एफर्ट, नॉट ओनली सिंगल डे, नॉट ओनली इन अ वीक, नॉट ओनली इन अ मंथ, years, not only single year, repetitively doing same activity again and again, definitely you will become expert and definitely take some time. Or ye time span ke liye you are having one of the major strength, patience. If you are having patience,
हम में से मैक्सिमम लोग अपनी मंजिल के पास जाके रूट चेंज कर लेते, सामने सक्सेस का दरवाजा खुलने वाला रहता है, बट हम अपना रूट चेंज कर लेते हैं बिकॉज वी आर हैविंग लैक ऑफ पेशेंस. And when we talk about today's time, youth, they are also having lack of patience. And those youth, they are having strength and patience. They can do anything, whatever they want. वो कुछ भी कर सकते हैं life में. ठीक है? So my dear student, you should also develop your, you know, patience quality. बहुत जल्दी हड़बड़ाना नहीं है. ठीक है? ठीक है. तो ये जो मेन एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं. ठीक है, इसमें देखो, ये जो मेन एलिमेंट ऑफ क्लासिकल थ्योरी है, फर्स्ट पॉइंट इज डिविजन ऑफ लेबर. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लेबर वी वोंट कंप्लीट आवर टास्क. ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अभी मार्केट में जो चल रहा है, लोकल फॉर वोकल, इफ यू आर हैविंग सम कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, यू शुड स्टार्ट योर ओन वर्क. ठीक है, तो हो सकता है आप अकेले स्टार्ट करो या आप अपने फैमिली मेंबर्स में एक दो को लेके स्टार्ट करो. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, बिकॉज अगर आप लोगों को हायर करते हो, डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन आपके शोल्डर पे आता है एंड यू शुड मैनेज थिंग्स. तो अगर हम बात करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, भिलाई स्टील प्लांट, वेयर यू नो एन नंबर ऑफ पीपल मोर देन 30,000, 30,000 तो रेगुलर एम्प्लॉई है. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चुअल मिला लेंगे तो 50,000 अब हो जाएंगे. ठीक है, तो सी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 मैन, नॉट ओनली मैन पीपल, आई शुड से मैन वुमेन बोथ आर वर्किंग नाउअडेज, तो यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा. ठीक है, तो अगेन उस वर्क को कौन बना रहा है, मतलब ये जो भिलाई स्टील प्लांट में जो स्टील रेल पटरी बन रही है, एंगल बन रहे हैं, चैनल बन रहे, वो सारे मैन ही बना रहे, बाय यूजिंग मशीन, मैकेनिज्म, मटेरियल एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर में भी बाइफर्केशन है, लोअर क्लास लेबर, मिडिल क्लास लेबर, अपर क्लास लेबर. ठीक है, लोअर क्लास लेबर जो है वो ग्राउंड रियलिटी में वर्क करता है टू अचीव द टास्क ऑफ सुपीरियर, और सुपीरियर जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं इफ लेबर इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, दे शुड डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ देयर सुपरवाइजर, सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको हीट बहुत ज्यादा लग रहा है, हमको हैंड्स में ग्लोव्स चाहिए, ठीक है, सर पे हेलमेट चाहिए. ऑल्दो दिस इज यू नो फैक्ट्री सेफ्टी में ये सारी चीजें एसेंशियल है कि बूट, हेलमेट, ग्लोव्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपका इवन अप्रॉन भी अलाउड है, बिकॉज जो एरिया होता है वो एडवर्स सिचुएशन होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, दैट्स व्हाई. तो डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का वर्क डिवीजन करने के लिए डेफिनेटली देयर इज यू नो सम स्किल्स, सम टेक्निकल नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज मैनेजमेंट असाइन द ड्यूटी विच इज सुटेबल टू इंडिविजुअल, और वो जो ड्यूटी है उसको वो लेबर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स. वो ग्रुप्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन नीड कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, वो अपने हिसाब से साइज नंबर छोटा बड़ा कर सकते. ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. सी देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मैनेज
यू नो अ मैरिज पार्टी, तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट लोगों को. इन सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज यू नो परचेस डिपार्टमेंट, देयर इज अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, देयर इज अ सेफ्टी डिपार्टमेंट, देयर इज अ मार्केटिंग पीपल डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. They are having some limitation, they are having some boundaries to perform their duty. Fine. तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको you should do in a particular time duration, और आपका एक जो limit होता है वो decided होता है कि हमको क्या job perform करना है, और उस job के according हम क्या करते हैं, work करते हैं daily basis पे. ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस, एच आर, मार्केटिंग, परचेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट का अपना एरिया है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस. सी सर, हाँ सर, आपके स्लाइड चेंज नहीं हो रहे हैं बेटा. एक्चुअल में स्लाइड चेंज, is it visible, is it visible? No sir, not visible. Is it visible? No sir. Yes sir. Yes. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. देखो मैं ये, if you are having any problem, without any tension, without any hesitation, you convey the message. क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है. ठीक है, ये देखो मैं जो starting में आप लोगों को बोल रहा था, the evaluation of management thought can be studied in three parts as given under classical approach, new classical approach and modern approaches. Is it visible? Yes, yes sir. And next is classification theory of management is scientific management approach, which is given by F.W. Taylor. Administrative functional or process approach, Henry Fayol. देखो ये तीन अलग अलग नाम है जो हेनरी फ्योल ने गिवन है. ठीक है, तो मैंने ये तीनों नाम मेंशन किया है. यू शुड बिकम फैमिलियर विद यू नो ऑल द थ्री नेम्स एंड देन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच व्हिच इज गिवन बाय मैक्स वेबर. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेन एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन थ्योरी. द पिलर ऑन व्हिच द क्लासिफिकेशन थ्योरी स्टैंड्स आर, हम बात कर रहे थे अभी डिविजन ऑफ लेबर की, जिसमें सम हाउ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट which technically divide in skilled or unskilled people. Some people having technical degree, some people having non-technical degrees. When we talk about MCOM, we people comes under non-tech people. When we talk about ITI, Polytechnic, BE, MTech, people, they are somehow technical. Departmental, we are talking about in department, HR department, finance department, purchase department, marketing department. And then next point is scalar and functional process. See, it assumes there is a hierarchy. We all are family. देखो अगर हम hierarchy को समझना चाहते हैं तो in any organization there is a hierarchy. यानी ऊपर से नीचे. It depends. जो organization का topmost position है वो CEO. Then next,
उसके नीचे जो डीजीएम्स एजीएम्स आते हैं ऑफिसर्स, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, देन लेबर. तो वो जो कैटेगरी होती है वो मोस्टली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर क्लास लेबर, मिडिल क्लास लेबर और अपर क्लास लेबर. जो सीईओ होता है वो भी जो होता है क्या होता है, वो एम्प्लॉय ही होता है, यानी नौकर. अ पर्सन हु इज हाईली पेड, ठीक है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बट स्टिल ही इज ऑल्सो अ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर टू साइड्स, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ओनर नहीं है वो, ही इज हाईली पेड लेबर, ठीक है. तो ये जो स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आपकी पोस्ट बड़ी होती जाती है, ठीक है, यू आर हैविंग सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर शोल्डर, आपके कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और ये जिम्मेदारी को यू शुड कंप्लीट एंड फुलफिल इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन पे यू वेरी हाई अमाउंट, ठीक है. तो ये स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस था. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चुअल प्लान ऑफ एनी बिल्डिंग. सी व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज टाइम, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग ड्रीम टू मेक अ हाउस और होम, ठीक है, तो हम सबको घर बनाना है, बट जो लैंड है वो लिमिटेड है. दैट्स व्हाई डे बाय डे जो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का जो कारोबार है वो बहुत ज्यादा फलफूल, ठीक है, छोटे से छोटे लैंड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. दैट्स व्हाई इन करेंट टाइम अपार्टमेंट कल्चर आ रहा है. तो ये अपार्टमेंट कल्चर है वो क्या करता है, छोटे छोटे स्पेस को यूटिलाइजिंग सच अ वे सो दैट दिस स्मॉल स्पेस कैन फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स एंड डिजायर. और उसमें जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्किटेक्ट का, वो एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर लैंड को इस तरह से यूज करता है कि आपका घर बहुत बड़ा आलीशान दिखता, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल, नथिंग एल्स, बिकॉज ही इज वेरी मच फैमिलियर विद यू नो ड्रॉइंग्स एंड ही इज परफॉर्मिंग हिज जॉब इन अ सच अ नाइस वे सो दैट यू कैन इजीली अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस बाय आर्किटेक्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, This is also somehow mechanism, ठीक है. और आज की डेट में जो मार्केट में चल रहा है लोकल फॉर वोकल, ठीक है, तो वो जो हम जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है. और चेंज जो होता है वो कभी भी रैपिड चेंज नहीं आता है, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम. और ये जो पीपल का माइंड सेट है वो चेंज होने में बहुत समय लगता है, तो डेफिनेटली इट टेक सम टाइम, लेकिन शायद इंडिया बदलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. दिस पिलर सीज एंड पुट चेक्स ऑन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन लुक अपॉन, ठीक है. See, when we talk about manager, managers also having their limitation to control the labor, ठीक है, क्योंकि वो भी थकते हैं, वो भी टेंशन में आने से, प्रेशर में आने से अंडर परफॉर्म होते हैं. तो देयर इज अ स्टैंडर्ड साइज की पर्टिकुलर कितने लोगों को आपको देखना है, कितने लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितने लोगों को मैनेज करोगे. So this is, you know, span of control. Am I clear to you? Span of control कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है. तो
this is, you know, main element of classical classical theory. Then moving next is criticism. So we all are also having some strength in same way we all are also having some drawback. So this, you know, classical theory of management also having some criticism. First point is, it assumes that the organization does not interact with the environment, which is not true. See, it's happened in our life also. We all are having some expectation, but reality, which is something different, ऐसा होता ही है, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि इस बार एमकॉम के बच्चे 80% तक लाएंगे, तो दिस इज, यू नो, माय एक्सपेक्टेशन. लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो एमकॉम के बच्चों का कितना परसेंट आता है? हाईएस्ट 64 और 66 कितना आया था तुम लोग का? No one can interest to reply me. Okay, good enough. ठीक है, तो it's happened. Then next point is lack of universality. See, अगर हम किसी भी point को एक standard organization में बोल रहे, तो it's not applicable in each and every corner of the, you know, state, country. Because size may be different, and according to size and the financial position of the organization, so many times it's happened कि जो बड़ी organization होती है, जो rich organization होती है, जो लंबे समय से करोड़ों का turnover करती है, they can easily survive in 3 months to 6 months in this, you know, pandemic situation. But जो छोटे player है, वो तो एक महीने में ही बर्बाद हो गए. कितनी सारी इंडस्ट्री वाइंड अप हो गई, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग गुड फाइनेंशियल कंडीशन. तो किसी भी चीज को अगर आप एक जगह बोल रहे हो, इट डजंट मीन कि आप वो सारी जगह पे उसको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते. द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च. यू नो, रिसर्च मीन्स सर्च न्यू वे, न्यू थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटी. फाइन, तो वी शुड कनेक्टेड सम हाउ टू सर्च न्यू, वॉट आर द न्यू वेज इन दिस लॉकडाउन इन पैंडमिक सिचुएशन. कोरोना वायरस अक्कर इन आर सोसाइटी, नॉट इन सोसाइटी, इन वर्ल्ड आई शुड से. तो ये कोरोना ने भी हमको लाइफ को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट मूवमेंट से, डिफरेंट थिंकिंग से सोचने के लिए मजबूर किया कि हम इस सिचुएशन में भी वी कैन ऑल्सो लुकिंग सम अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, बी पॉजिटिव. ठीक है, तो रिसर्च से वी कैन नो दैट द आने वाले समय में वेदर देयर इज अ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट और नॉट. तो रिसर्च जो है, विच इज वेरी एसेंशियल इन एनी एरिया, ठीक है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन और इन अदर. देखिए, ये जो एजुकेशन में भी है, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले से थी, बट नाउअडेज छोटे से छोटा स्कूल, कॉलेज, सारे लोगों ने क्या किया है, सर्च किया कि is there any way to teach student. तो find out किया है कि हम ये online class ले सकते. ठीक है, तो हमारा college भी इसका one of the part है और we are taking class online. तो lack of empirical research, देखो कई सारे product होते हैं जो research नहीं करते, तो कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद वो obsolete हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, सर्च करते रहना है. यू शुड ऑल्सो लुक द मार्केट, विच सॉर्ट ऑफ, यू नो, करेंट ट्रेंड, न्यू फैशन अकर इन आर सोसाइटी, और अकॉर्डिंग टू करेंट ट्रेंड
वी शुड सर्व टू कंज्यूमर और कस्टमर विदाउट एनी डिले सो दैट ओनली यू स्टे इन मार्केट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन मार्केट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक assumption about human behavior. See, we should become realistic and based on ground realities. ठीक है, सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं चलेगा. Be touch with ground. ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमको बोलते हैं कि बेटा ज्यादा मत उड़ो, जमीन में गिर जाओगे, दांत बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोजेक्ट इन एमकॉम क्लास. व्हाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट यू कैन आल्सो लर्न प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट को थोड़ा सीरियसली करना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है. यू शुड आल्सो टॉक. ठीक है, कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको देखना है, सीखना है, उसी से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टैटिक एंड रिजिड व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे. हम सलमान खान हैं नहीं, यू वॉन्ट स्टे. ठीक है, ट्राई टू बिकम फ्लेक्सिबल. यू शुड ऑब्जर्व द मार्केट. अभी मार्केट में सारी चीजें गिर रही हैं, ठीक है, अच्छे बड़े बड़े प्लेयर भी गिर रहे हैं, तो यू शुड बिकम फ्लेक्सिबल. ठीक है, अभी तो आप लोग तो बहुत ज्यादा इससे एडवांस हैं. आप लोग बहुत सारे एड वगैरह देखते होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो एड होते हैं वाइल मेकिंग एड, वो कंज्यूमर्स के और कस्टमर्स के इमोशन के साथ खेलते हैं. अगर इफ यू आर मेकिंग एन एड विच कैन टच द हार्ट ऑफ कॉमन मैन, विच इज वन ऑफ द बेस्ट एड. ठीक है, और उस एड से कंपनीज की जो सेलिंग होती है वो बढ़ती है. उसके लिए आपको बहुत बड़े सेलिब्रिटीज को लेने की कोई जरूरत नहीं. आपका जो मैसेज कन्वे कर रहे हो वो कॉमन मैन तक जाना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मेन मोटो. ठीक है, सो इन ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट डोंट बिकम रिजिड. यू शुड बिकम फ्लेक्सिबल इनफ अकॉर्डिंग टू ट्रेंड. यू शुड गिव द to your employees. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है आप उनको सुने, समझने की कोशिश करें, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिले, बिकॉज डिले गिव्स सम सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इन माइंड ऑफ एम्प्लॉइज. और अगर आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉइज डिससैटिस्फाई हैं, डोंट थिंक यू विल बिकम सक्सेसफुल. डोंट थिंक कि आप उनको एक्सप्लॉइट करके प्रेशर देके यू वोंट अचीव एनीथिंग. सो ट्राई टू क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट सो देयर इज अ प्रॉपर वर्क कल्चर. दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, सो यू वोंट बिकम रिजिड. फाइन, ओके. तो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर. अच्छा, सो व्हाइल दिस वी कम टू एंड टुडेज क्लास. ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेबस कल दिखाया था वो मैंने आप लोगों को देने के लिए गूगल लिंक भेजा है मैंने. ठीक है, और ये जो मैं अभी पीपीटी आप लोग को शेयर कर रहा था मैं उसको उसमें शेयर कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा. ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर जी
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर सभी लोग वन बाय वन रिस्पॉन्स करके मुझे अपनी आवाज सुनाए तो मेरे को अच्छा लगेगा. Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's like pattern. But yes. Still, there are so many students who are so sleeping as I felt that. ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि ये विशाल, विशाल को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विशाल है कि नहीं ग्रुप में? विशाल, am I audible to you? विशाल चलो नहीं है, कोई कोई सुनिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो ऑनलाइन क्लास है इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका नेट कनेक्शन अच्छा हो. ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं एमकॉम की क्लास लेता था मोबाइल से तो आई एम ऑल्सो हैविंग नेटवर्क इश्यू, बट नाउ वी आर इन कॉलेज एंड कॉलेज प्रोवाइड दिस मच गुड फैसिलिटीज, पिक्चर क्वालिटी, नेट कनेक्शन हमारा सब बहुत अच्छा है. तो आप लोग अपना थोड़ा सा चेक कर लो, नेट कनेक्शन वगैरह ठीक है कि नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, और मेरे सब्जेक्ट की सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा. इफ एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी इन टुडेज क्लास, यू कैन आस्क एंड रेज योर क्वेश्चन. इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, बोलो बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी किसी ने क्लास ढंग से सुना है. सुनो मेरी बात, अगर आपका रिजल्ट 100% आ रहा है, इट मींस दैट कि टोटल फर्जी है. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, एनीवे चलो ओके, फिर आज का बंद करें. हैव अ गुड टाइम. यस सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Right, sir.